bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum class 6 here i am your teacher miss Musarrat, and here is the poem the old brown horse students today we will uh, solve the exercise so let's start These students here it's page number 24 uh, new oxford modern english poem is the old brown horse answers the following questions what do we learn about the horse from his अपेयर एंड बिहेवियर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने क्या सीखा जो आपने पॉइंट पढ़ी है ना द ओल्ड ब्राउन हॉर्स कि उस घोड़े की अपेवियर कैसा था दंसर इज दॉर्स दॉर्स द हॉर्स अपेयरेंस इज शेगी वेरी लेम एंड हाफ ब्लाइंड जो घोड़े के अपेरेंस थे ना वो थी शेगी थी ठीक है यानी शेगी मीन्स यहाँ पे कहले खुरदरे उसके लंबे मैले खुरदरे बाल थे वेरी वो थका हुआ था लेम यानी वो लंगड़ा था एंड हाफ ब्लाइंड उसकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी यानी ये उसका सारा बता रहे हैं घोड़े के अपेरेंस और बिहेवियर के बारे में नेक्स्ट देखें वट डज द पॉइंट आज द रीडर टू डू जो पॉइंट है वो क्या रीडर से क्या पूछ रहा है तो इसका आंसर है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हॉर्स है ये अपनी आबीती खुद बता रहा है ठीक है यानी घोड़ा अपनी कहानी सुना रहा है तो अब वो जो पॉइंट वो पूछना चाह रहे हैं कि जो पॉइंट uh, है वो जी जी जो अजीक जो यहाँ पे जो घोड़ा है ये क्या कहना चाह रहा है तो इसका आंसर है सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे अगर आप इस फील्ड के पास से एक दिन गुजरें जस्ट टॉप फॉर अ वर्ड और टू वो कह रहे हैं जस्ट एक या दो लफ्स कहने के लिए रुक जाएँ ठीक है ताकि जो यहाँ तक आप कर ले ठीक है ताकि जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करे ठीक हो गया जी नेक्स्ट देखें व्हेन डज द हॉर्स फील दैट लाइफ नाउ इज़ नॉट सो बैड अच्छा अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हॉर्स जो है वो कैसा महसूस करता है कि ज़िंदगी जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है कि इतनी भी सैड नहीं है द हॉर्स फील दैट लाइफ इज़ न लाइफ नाउ इज़ नॉट सो बैड बिकॉज वन समन कम्स एंड टच हिम सॉफ्टली एंड जेंटली एग्जैक्टली हॉर्स कहते हैं कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जब लोग आते हैं मुझे टच करते हैं अपने नरम हाथों से या जब उसको प्यार करते हैं तो वो जो बुरा घोड़ा है वो खुश हो जाता है नेक्स्ट देखें द क्वेश्चन आर दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट डिस्कस डिस्म फर्स्ट वाई इज़ द हॉर्स नो लॉन्गर यूज फॉर राइडिंग गिव एट लीज टू रीज़न वो कह रहे हैं कि दो वजह बताएं कि जो घोड़ा है वो uh, क्यों नहीं uh, uh, कह रहे कि मज़ीद अब राइडिंग कर सकता है क्यों नहीं लोग उस पर सवार हो सकते रीज़न वन द हॉर्स इज़ ओल्ड ठीक हो गया कि घोड़ा घोड़ा गो, जो है वो बूढ़ा हो चुका है एंड द सेकेंड रीज़न इज द मास्टर हैज़ हैजबोटा मोटर कार जो उसका मालिक था उसने अपनी गाड़ी खरीद ली है वेल जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हु माइट हैव है रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगलेक्टिंग द हॉर्स इस घोड़े की uh, मतलब के जो गफलत है uh, उसका कौन जिम्मेदार है ठीक है सो so, ओबियसली उसका मालिक जिम्मेदार है क्योंकि उसके वो केयर नहीं कर रहा पहले की तरह द मास्टर माइट हैव बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगलेक्टिंग द हॉर्स यानी हॉर्स जो इतना वो उसका मतलब कि के कोई केयर नहीं कर रहा हॉर्स की तरफ से जो जो गफलत बढ़ती जा रही है वो उसके मालिक की वजह से है ठीक हो गया आगे देखे वट वुड यू हैव डन टू मेक द हॉर्स लास्ट ईयर्स कम्फर्टेबल अच्छा ये ऊपर था कि वाई इट वॉज इट नेगलेक्टेड बिकॉज ही बोट अ मोटर कार इसीलिए घोड़ा जो वो निगलेक्ट uh, हो रहा है वाई ओके वट हैव यू डन टू मेक द हॉर्स लास्ट इज कम्फर्टेबल अगर आपके पास घोड़ा हो तो आप क्या करेंगे उसको कंफर्टेबल करने के लिए इफ़ आई हैड अ हॉर्स आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ़ इट अगर मेरे पास घोड़ा का तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करूँगी ओके okay, जनाब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स द ओल्ड हॉर्स इज़ प्लेस्ड विद लाइफ जो बूढ़ा घोड़ा है इज़ प्लेस विद लाइफ क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश था नहीं जी तो आपने यहाँ पे फॉल्स यानी एफ लगा देना है द ओल्ड हॉर्स लाइक्स हैविंग विजिटर्स जो बूढ़ा घोड़ा है क्या वो उसको पसंद है कि लोग उसको विजिट करें देखें येस yes, ट्रू पीपल हु ड्राइव द past आर इंटरेस्टेड इन द हॉर्स लोग जो उसके घोड़े के पास से गुजरे थे क्या वो दिलचस्पी महसूस शो कर रहे थे घोड़े की तरफ बिल्कुल भी नहीं फॉल्स द हॉर्स डज नॉट लाइक बींग टच्ड के घोड़े को पसंद नहीं कि कोई उसको छुए फॉल्स घोड़े को तो पसंद है कि कोई उसको जेंटली सॉफ्टली टच करे अच्छा जी नेक्स्ट देखें आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्सट ओ थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली thought फॉर अ हॉर्स हु हैज़ had हिज डे ठीक है अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ना घोड़े को कह घोड़ा वो कह रहा है ओ oh, शुक्रिया दोस्त बहुत मेहरबानी मतलब कि तुमने मेरा एक दिन बना दिया मतलब उसको टच करके द अंडरलाइन द फ्रेज़ मीन्स यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए कि कौन सा सही है वो आपने uh, टिक करना है हैज़ बिकम टाइट ऑफ इज लाइफ ज लिव थ्रू अनादर डेज नाउ ग्रोन ऑल्ड हैज नाउ ग्रोन ऑल्ड इज द करेक्ट नेक्स्ट देखें यहाँ पे डू यू थिंक देर इज अ राइमिंग पैटर्न इन दिस पॉइंट एंड वॉट इज इट सो स्टूडेंट्स ने आपको बता देती राइमिंग पैटर्न क्या है इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस इसको आपने ए का नेम देना है इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे ये मिलते नहीं है सेम राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो ए इसको हम बी बना देंगे ही सीम्स टू बी सेंग टू ऑल हु पास सी वेल फॉक्स आई हैव हैड माई डे अब यहां पर अगर आप देखें बी वाला शॉर्ट ऑफ वे हैड माई डे इट्स सेम सेम तो ये भी बी राइमिंग में आएगा आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ड गो बाय डी एंड नो बडी सीम्स टू माइंड ई एंड देर आर डैशिंग पास इन देर मोटर कार्स अब यहाँ पर आप देखें टू ऑल हु पास इन देर मोटर कार सेम सेम तो ये यहाँ पर आप देखेंगे सेम सेम तो ये आपने सी किस को दे देना है अर्स हु इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड ई ठीक है यानी इसकी जो डाइमिंग बन रही है वो ये बनी ए बी सी बी डी ई सी ईके ट्वेंटी फोर पेज नंबर इज कम्प्लीट स्टूडेंट्स होपफुली यू गॉटेड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो